टू माय यूट्यूब चैनल रिकि रू। आज हम वीडियो लेके आए हैं रिव्यू का और अनबॉक्सिंग का। हमने फ्लिपकार्ट से होम डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, जैसे कि ये एक ट्राइपॉड फ्लोर लैम्प है और ये एक वुडन टेबल है और ये काउच टाइप कह सकते हैं, सिटिंग टेबल काउच पफ का सेम एज वेल ये भी वही है। अब हम आपको इनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि ये कैसे है एक्चुअल में, वर्थ इट है या। चलिए हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं लैम्प की, देखते हैं लैम्प कैसा है। ये है इसका कवर, इसके साथ ये बल्ब आया है और कस्टमर केयर नंबर भी इसके साथ हमें मिला है। चलिए इसको जल्दी से असेंबल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये सही है या खराब। यहाँ से थोड़ा सा टाइट करेंगे, ये स्क्रू दिया है कि आप इसको टाइट कर सके। अब हम ये लगाते हैं ऊपर से, हम इसमें इसको ले आए स्विच के पास। अब हम आपको दिखाते हैं ये नाइट में कैसा लुक देगा। दिस इज इन रोशनी, ये रोशनी का लुक है, इसका नाइट अंधेरे में ये ऐसे लगेगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें यहाँ पर नीचे चेन दी हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए कि तीनों पहियों के बीच ट्राइपॉड्स के बीच बैलेंस बना रहे। तो इस प्रोडक्ट की कीमत है 1200 रुपये। आई थिंक ये वर्थ इट है अगर आप इसे एज ए डेकोरेटिव आइटम यूज करते हो तो। दिया है हम इसकी हाइट अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज करके यहाँ पे इसे टाइट कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे हमें चाहिए उसकी हाइट रख सकते हैं और ये हमारा रेडी है। नीचे करके देखो, इसको नीचे करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आपको हाइट कम रखनी है तो कम हाइट पे इसको लॉक कर दीजिए यहाँ से। ये अब हम इसको अपनी बालकनी एरिया में लगा के आपको दिखा रहे हैं कि ये ग्रीनरी के बीच कैसा लुक दे रहा है। बताइएगा आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे, खूबसूरत कितना है ये ट्राइपॉड। मुझे तो बहुत पसंद है ये लेने, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है रात में। मेरी तरफ से ये ओके प्रोडक्ट है। मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग अपने घर के लिए से ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बालकनी एरिया कहीं भी इसको आप लगा सकते हैं और ये बहुत इजी है। कुछ नहीं, बस बल्ब लगाना है, इसको रखना है और लग लगा देना है। सो इजी टू इंस्टॉल। हेलो दोस्तों, ये मैंने एक वुडन टेबल मंगाई है जारा फर्नीचर की फ्लिपकार्ट से। इसका रिव्यू करती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ ये है कैसी। बड़ी छोटी आई है, ये
बहुत खूबसूरत है ये मैम। मुझे लगा था साइज देख के कि अच्छी नहीं होगी, लेकिन भाई क्वालिटी और इसका जो पीस है स्टाइलिश। और इसकी कीमत पता है कितनी है? 1,038 रुपए। ज़ारा फर्नीचर को मैं ओके करती हूँ। अगर आपको अपने घर में कुछ सुंदर सा डेकोरेटिव चाहिए, देखिए इसमें ये व्हील बना हुआ है, इधर दोनों साइड व्हील बना है। मैं इससे ज्यादा प्रश्न नहीं कर रही, एक्चुअली मेरी मिरर टेबल है खराब ना हो जाए। ये देखिए इतना पेज वगैरह इसमें अच्छे से पूरा असेंबल है। ये आपको असेंबल नहीं करनी है कि आपको खुद से पूरा पेज करना हो। लास्ट प्रोडक्ट है, इसको जल्दी से ओपन करते हैं, देखते हैं ये कैसा है। और ये दोनों सेम प्रोडक्ट है। दूसरा भी ओपन करते हैं। इज देयर एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट? देखिए मैंने रेड कलर में ऑर्डर किए थे और इसकी कीमत 570 रुपए ईच है। ये गुरुजी फोम कफ है, इसको सिटिंग के तौर पे यूज कर सकते हो। इसको यूज करके देखना पड़ेगा ये कैसे यूज होगा। वो अपनी बालकनी में डाल सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं, ये बैठने के काम आएगी भी couches. Yes, it's come. ये तो बड़े comfortable है। इस पे आप मस्ती के लिए, थोड़ी देर के लिए, चाय कॉफी के लिए बैठ सकते हो। बस थोड़ा सा साइज छोटा है इनको। मैं कहना चाहूंगी थोड़े से साइज में बड़े होने चाहिए थे, थोड़ा छोटा साइज है मेरी एक्सपेक्टेशन से। ये मैंने 2 ऑर्डर किए थे। ये मेरे 4 प्रोडक्ट्स, लैम्प, टेबल। टेबल भी रिजनेबल लगी मुझे 1,000 रुपए में, और ये काउच 570 रुपए के हिसाब से आई थिंक ठीक है। एक पे बैठी हुई हूँ और एक ही है। देखिएगा आपको मेरी ये शॉपिंग फ्लिपकार्ट से कैसी लगी, आपको रिजनेबल लग रहा है या नहीं। होम डेकोरेशन के लिए मुझे ये सिलेक्टिव आइटम्स पसंद आए, और आपको भी पसंद आए तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे जाके इसको परचेज कर सकते हैं।